अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ती, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। दोस्तों, आपने फूलन देवी का नाम तो जरूर सुना होगा। 25 जुलाई 2001 को उनके आवाज़ के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया है। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहार के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी झेला या जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाएगा। क्या उनके पिता को, जिन्होंने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, या फिर उन लोगों को जिन्होंने एक बच्ची के ऊपर दया नहीं दिखाई, या फिर उन दरिंदों को जो लगातार फूलन को नोचते रहे।